पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। राशि कहाँ है? बेडरूम में है सोनी में। उसकी हालत जरा ठीक नहीं है। उसे पता है कि दिलीप जी नहीं रहे? नहीं, अभी तक नहीं। और बताने की हमारी हिम्मत भी नहीं है। दिलीप के जाने का दुख तो मुझे भी है सोनी बहन। किम के जाते जाते पुण्य का काम कर गया वो। इतने सारे लोगों की जान बचाई उसने, पर हम लोग ही उसे बचा नहीं पाए। और ऊपर से इतनी भयानक मौत। नाना, मुझे डर लग रहा है। अरे क्यों बेटा, क्यों डर लग रहा है? पहले तो भगवान जी ने मेरी आई को अपने पास बुला लिया, और फिर मेरे दादाजी को। वो मुझसे कट्टी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा बच्चों से कभी कट्टी हो ही नहीं सकते। तो वो और किसी को ले गए? तो किसी को नहीं ले जाएंगे बेटा। हम मन से प्रार्थना करेंगे बापा को। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके, चलो आओ, अभी बप्पा को बोल देते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ ना करें जिससे स्वरा डर जाए। ओके, पुष्पा बेन जी, दिलीप जी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो लोग बॉडी हैंडओवर नहीं करेंगे। नहीं मनीष भाई, अभी तक नहीं आए। हमें भी उसी का इंतजार है। मैं जुगल से पूछती हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। आप लोग बैठे ना, दो मिनट में। हाँ बैठे। हाँ जी, आओ जी, आओ मनीष। नहीं बचा पाया पुष्पा, मेरे लाख चाहने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पाया। ये गिल्ट मुझे खाए जा रहा है। तूने अपनी पूरी कोशिश की ना जुगल, खुद जलकर भी अंदर रहा उसके पास, आखिरी समय तक कोशिश करी, इसलिए अपने आप को दोष मत दे। वो मेरी आंखों के सामने था पुष्पा, जाकर भी कुछ नहीं कर पाया मैं। जब भी आंखें बंद करता हूं तो वही दृश्य दिखाई देता है मुझे। जिंदगी भर का अफसोस रहेगा मुझे। अब मैं राशि को क्या कहूंगा, कैसे फेस करूंगा उसे? किस्मत चुकल, किस्मत। हमने अपनी पूरी कोशिश की, इसलिए प्लीज तू संभाल अपने आप को। ये सब तू संभाल अपने आप को, मैं बोल रही हूं, संभाल। वो कोई खबर है दिलीप की पोस्टमार्टम की? नहीं, मैं पता करता हूं राशि कैसी है। डॉक्टर आकर गए, अभी सो रहे। वापस आते ये सब देखना पड़ा। बहुत बड़ा सदमा लगा है उसे। वो दिलीप को सबसे ज्यादा चाहती थी जुगल।
और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे क्या कहूँ, कि दिलीप के साथ क्या हुआ। लेकिन राशि को तो पता ही नहीं है दिलीप की मौत के बारे में, फिर किस बात का सदमा लगा उसे? काम कर, बाहर चल के बैठ, खुले में बैठेगी ना तो तुझे अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा 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 इट्स ओके राशि, अंदर चल। राशि को इस तरह देखकर दुख भी हो रहा है और डर भी लग रहा है। वो जुगल को कैसे घूर रही थी, कैसे गुस्सा हो रही थी, जैसा कुछ बोलना चाह रही थी और बोल नहीं पा रही थी। हाँ, जुगल ने जो मुझसे कहा उसके बाद तो मैं भी सोच में पड़ गई हूँ काकू। राशि को तो पता ही नहीं है दिलीप की मौत के बारे में, फिर किस बात का सदमा लगा उसे? हो सकता है राशि ने दिलीप को जलते हुए देख लिया हो। हो सकता है अभी तो आते ही डेट चिल्ला कर भी हो सके। मुझे समझ में नहीं आ रहा काकू, ये सब क्या हो गया? ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा? इतने सारे लोगों की जान के साथ खिलवाड़, दिलीप का ऐसे जाना, इतनी दर्दनाक मौत। माना कि उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं थी, पर भगवान ऐसा अंत तो सबको भी रहते हैं। आखिर किसने लगवाई होगी ये आग? चिराग, राशि कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है, अजीब तरीके से देखती है मेरे सामने। जानता हूं कि उसको सदमा लगा है, लेकिन किस बात का सदमा? सच्चाई तो पता ही नहीं उसे।
कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ में तो हमें भी नहीं आ रहा है कि उसे सदमा किस बात का लगा है। हम में से कोई भी यकीन ही नहीं कर पा रहा कि पापा इज नो मोर। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।